हमारे आदर्श परम गुरु माता पिता के सम्मान श्रीमान कर्नल साहब पीएस पूनिया जी के निर्देशन में हमारी पूरी टीम एक वर्ष से कार्यरत है और उन्हीं के निर्देशन में हमारी टीम ने जो परिणाम दिया है, ये जो उपलब्धि है जो आज हासिल की है अकेडमी ने, इन्हीं के निर्देशन में की है, तो इन्हीं के लिए एक बार उन्हें जोरदार हार्दिक अभिनंदन करें। संस्था के संचालक महोदय कमांडो वीरेंद्र सिंह जी सेरावत जो अकेडमी को संचालित कर रहे हैं, वो हमारे बड़े भाई साहब के सम्मान, हमारे पूरी टीम के एक गाइड के रूप में कुछ कहना बहुत ही बड़ी बात है कि एक इतने शब्द मेरे पास नहीं है उनके लिए कि मैं उनके बारे में कुछ कह पाऊँ। आज जो कहने का मतलब यहाँ पर हम खड़े हैं, जो भी स्थिति बनी हुई है वो सारी आज उन्हीं के क्रम से लेके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा मेरे शब्द बयान नहीं करना चाहूँगा उनके बारे में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए। पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम की शुरुआत हमारे जो पूनिया जी सर हैं वो एक बार ऋषिराज जी भाटी पायलट साहब का स्वागत करके और प्रोग्राम की शुरुआत करें। तो पूनिया जी सर स्वागत करेंगे ऋषिराज जी भाटी पायलट साहब का, कमांडो वीरेंद्र सिंह जी जाकर स्वागत करें। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बराबर तालियां बजनी चाहिए, साफा पहनाकर मालार्पण करें। तालियों में कंजूसी नहीं, जी सर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप अपने दो शब्दों से बच्चों को मोटिवेट और आगे की जो प्रक्रिया है बच्चों को आपके मार्गदर्शन में। सोनिया जी सर पार्टी 36 इयर्स
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर्विस करके करते हुए उन्होंने काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वो जब फौज में थे तो SSP में भी रहे वहाँ पर, और जो जहाँ पर अभी हमारे अभी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए सेंटर में, तो सिकंदराबाद सेंटर में भी थे और भोपाल सेंटर में भी रहे हुए हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर। उसके अलावा जब वो कॉलेज में थे तब उनके पास में ग्लाइडर का लाइसेंस था, ग्लाइडर पायलट है वो, और फौज में रहते हुए एविएशन में रहे और वो एयरक्राफ्ट लाइसेंस भी है उनके पास में, एरोप्लेन लाइसेंस भी है। और आर्मी में रहते हुए उन्होंने हिमालयन कार रैली में भी पार्ट लिया था, यानी हवाई जहाज के साथ साथ में कार पीछे चलाते हैं, जिप्सी वगैरह उस टाइम जाती थी, तो हिमालयन कार रैली में भी इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। काफ़ी एडवेंचरस लाइफ रहे हैं, ग्लाइडर के स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर ग्लाइडिंग में सिखाते हैं बच्चों को। उसके अलावा अपने स्पेयर टाइम पे वो SSP की भी कोचिंग करते हैं, और उससे पहले वो SSP में जो पुराने ज़माने में यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती थी टेक्निकल स्कीम लेते थे, उसमें वो SSP में रह चुके हैं और उनका स्क्रीनिंग किया हुआ है, सिलेक्शन किया हुआ है। और रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी चलाई थी 5 साल के लिए, तत्पश्चात वो एक कंपनी के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे हैं। नासिक में कंपनी है उसकी और वहाँ से भी आए हुए हैं 2-3 महीने पहले, और अभी वो अपने स्पेयर टाइम पे बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और SSP की प्रिपरेशन करवाते हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पर वो आकर के हमारे फंक्शन में विराजे हैं, एंड सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। अभी तो हमारी एकेडमी है, इसको 1 साल पूर्ण हो रहा है आज, और इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो कमांडो वीरेंद्र सिंह हैं, मुझे वैसे ही आगे किया जा रहा है, पूरा काम वो करते हैं, 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, बट वो उनका मतलब मेरे को सम्मान उन्होंने पूरा दिया हुआ है, तो उसी सम्मान के तहत मैं आगे आया हूँ, और बट पूरा काम वो देख रहे हैं, पूरा संचालन वो कर रहे हैं, और फिजिकल में तो वो माहिर हैं आपको पता ही है। उसी की बदौलत पिछले 1 साल में हमारे अधिवीर के अंदर 71% रिजल्ट रहा था, और वो पहले जो मार्च अप्रैल में जो एग्जाम था उसके अंदर हमारे 7 बच्चे पास हुए, उनमें से 5 बच्चे आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है, मेरिट में आ गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। उनको भी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो परमानेंट होंगे, यानी 25% की बजाय वो 25% नहीं आएंगे, 25% के अंदर ही उनको आना है। और पहले वर्ष में हमारे टोटल 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, यानी सिलेक्शन का मतलब हम यहाँ पर पास होना नहीं देख रहे हैं, ज्वाइन करना यानी अपनी जो सर्विस है उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। 5 मैंने अभी भी बताया, 1 दिल्ली पुलिस, 1 चंडीगढ़ पुलिस, 1 एयरफोर्स, 2 हरियाणा बी ग्रुप यानी जनरल ड्यूटी, और 1 आर्मी में RT यानी विलेज टीचर, जो आर्मी में परमानेंट नौकरी होती है RT की, विलेज टीचर की, उसी रेशियो बनते हैं। और अभी जो अनिवार्य वर्ष है वो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले वर्ष में हमारे पास में स्टूडेंट्स कम थे, नई नई एकेडमी थी, टीचिंग प्रॉब्लम होते हैं, और अभी जो आने वाला वर्ष है उसमें हम और इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी हम 3 बैच नए शुरू कर रहे हैं, पहला अग्निवीर का बैच शुरू कर रहे हैं 15 मार्च से, और नया बैच, और
ऐसे ऐसे और अभी जो हमारा बैच चल रहा है वो तकरीबन 40 स्टूडेंट्स बैच में हैं और हमें आशा है कि 40 में से 40 ही पास होंगे इस बार, क्योंकि जो फैकल्टी यहाँ पर है यहाँ हमेशा रहती है, मिस्टर भाटी वो दिन और रात लगे रहते हैं, बाकी जो फैकल्टी है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मिस्टर राकेश जी, मिस्टर संजय और बाकी जितने भी फैकल्टी हमारे यहाँ पर हैं, सुनील वो अभी यहाँ नहीं है मौजूद, मगर वो भी पढ़ाते हैं इनको और दिलो जान से पढ़ा रहे हैं और हमें आशा है कि आप सभी इस एग्जाम में पास होंगे। और जो नया बैच हम शुरू करेंगे वो तकरीबन 6 महीने का होगा, क्योंकि इसमें इस बार जो बैच आए हैं वो कोई 1.5 महीने, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने ऐसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, हालांकि उसमें भी हम रिजल्ट अच्छा लेंगे, बट उसमें बच्चों पे लोड ज़्यादा आता है, एक साथ उसकी फिजिकल ट्रेनिंग हम नहीं करवा पा रहे हैं। जो 6 महीने का बैच होगा उसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी जैसे पहले होती 3 घंटे की, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा और बीच में पढ़ाई वैसे चलेगा। फिर जो अभी हमारा एग्जाम हुआ था SSCGD का, उसमें तकरीबन 40 स्टूडेंट्स थे, 40 में से हमें 50% पास होने की आशा है इस बार, क्योंकि उसमें भी बहुत दिलो जान से हुआ है, बट जो बच्चे आ रहे हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है और कट ऑफ जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उससे ज़्यादा नंबर है उनके, तो इसलिए हम आशा करते हैं कि 50% बहुत मायने रखता है, बाकी जो अकेडमी है वो 50% बोलती है, उनके शायद इतने होते नहीं है, हम जो बोलते हैं वही करते हैं, यहाँ बोलने में और करने में डिफरेंस नहीं रखते हम लोग। तो उसका भी SSCGD का जो कैलेंडर आया है, यानी December 24 में उनका एग्जाम होगा, अगस्त में बहुत मरे जाएंगे, इसलिए हम 8 महीने का बैच चलाएंगे, 8 महीने के लिए 15 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है। आपके जो भी भाई बंधु हैं अगर GD में पास होना चाहते हैं, SSCGD के थ्रू आप जाते हैं CRPF, BSF, CISF, आसाम राइफल GD, NIA, SSF, ऐसे करके 7 सर्विसेज हैं जिनमें आप लोग जा सकते हैं, और उनका एडमिशन जो उनका ज्वाइनिंग है वो केवल SSCGD के थ्रू होता है। उसमें हमारी एकेडमी ये जो फैकल्टी है वो माहिर हैं, बहुत मेहनत करते हैं और वो पूरी जान लगा करके आप लोगों के साथ में रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। तो अगर कोई दूसरी एकेडमी ऐसी है तो आप बता सकते हैं कि जो 24 घंटे आपके साथ में रहे, हॉस्टल में भी आपका ऊपरी हॉस्टल है जिससे कि आपको कहीं दूर जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जो ग्राउंड है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5 मिनट के रनिंग डिस्टेंस पे है, और GD मतलब जो GD है उनके लिए फिजिकल भी काफ़ी महत्व रखता है, SSCGD अपने लिए इनके लिए महत्व ज्यादा रखता है। फिर एक जो थर्ड बैच हम शुरू कर रहे हैं 15 मार्च से वो होगा NDA एक्स ग्रुप एयरफोर्स नेवी SSR ग्रुप और एक मर्चेंट नेवी का भी हम बैच शुरू कर रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि मर्चेंट नेवी का भी सिलेबस जो है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, उसके अंदर इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स वो दिनों में कॉमन है, चारों में सॉरी SSR नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप NDA नेवल अकेडमी एंड मर्चेंट नेवी, ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन है जो कि हमारी फैकल्टी इसमें अच्छी है, तो उसका हम फायदा उठाना चाहते हैं। उसके बाद 2 सब्जेक्ट और हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, सॉरी वो इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथ्स तो हो गई, 1 सब्जेक्ट और है एक्स्ट्रा जनरल एप्टीट्यूड के अलावा GK जो कि उनका होगा, सॉरी केमिस्ट्री, मर्चेंट नेवी में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी होता है, वो भी उनको पढ़ाया जाएगा। तो उनका 1 साल का बैच है, 1 साल के लिए 15 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं, इस महीने तक तो वो बैच हम के स्टार्ट करेंगे, बट उसकी जो असली क्लासेज हैं वो होली के बाद भी शुरू होंगी, यानी पूरी कंप्लीट को शुरू होगा। 1 साल के लिए जो बच्चे 12th कर चुके हैं या अभी 12th में हैं उनको ये मौका है कि वो NDA SSR नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप अपनी भी और मर्चेंट नेवी के लिए आगे आए। और आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं कर्नल विश्वास सिंह पाटिल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए उपलब्ध करवाया है, वो आए
और बाकी जो फैकल्टी और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुरानी जो पुरानी फैकल्टी है, वो सभी आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए बहुत बहुत आगे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ पायलट साहब को कि वो भी बच्चों को दो मिनट सब बोलकर उनको मोटिवेट करें कि किस तरीके से अपनी तैयारी और रणनीति बनाकर इस तरीके से तैयारी करने से आपको सफलता मिलेगी। पायलट सर, कर्नल साहब, ऋषि राज सिंह जी भाटी पायलट साहब आमंत्रित करना चाहता हूँ। Thank you.
इसी क्रम में आगे प्रिंस डिफेंस एकेडमी एक वर्ष आज कंप्लीट कर चुकी है और शानदार सफलता और जिन सफलता के पीछे आप आज यहां पर देख पा रहे हो कि जो अग्री भी सेलेक्ट होकर पहुंच चुके हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी स्पेशली एसएससी जीडी का बैच अभी स्टार्ट करने वाली है 15 मार्च से और फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर रही है 15 मार्च से। पिछला जो एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच कर चुकी है उसमें 50% अभी सर ने बताया था कि 50% हमें जो सफलता मिलने वाली है वो 50% फिक्स नहीं है, वो आगे और भी डिजिट बढ़ सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम, आगे आ जाओ। अभी वर्तमान में 50 विद्यार्थी स्पेशल पार्टी का बैच चल रहा है जिसका रिजल्ट आपके सामने होगा। मिशन 2024 प्रिंस के फौजी ही फौजी कारों का प्रिंस के फौजी ही फौजी होंगे होगा वो प्रारंभ करने जा रही है। संस्था में तीसरा न्यू बैच नेवी एसएसआर मर्चेंट नेवी एनडीए एयरफोर्स का फाउंडेशन बैच भी एक साल का जो स्टार्ट किया जा रहा है वो 15 मार्च 2024 से स्टार्ट किया जा रहा है। प्रिंस एकेडमी अपने आप में एक साल में 3 बैच सफलतापूर्वक निकाल चुकी है। पहला बैच जो स्टार्ट की थी उस समय अग्निवीर का बैच हमारे पास आया था, टाइम बहुत कम मिला था। 15 मार्च को हमने 7 बच्चों से अकेडमी स्टार्ट की थी। जब हमने नींव रखी थी उस दिन हमारे पास केवल एक बच्चा था, उसका नाम है राहुल गुजर। सर वेलकम। एक ही बच्चा था उस दिन। उसके बाद जैसे जैसे पता लगा कि प्रिंस एकेडमी ने अपनी नींव जयपुर झोटवाड़ा कांटा चौराहे पर रखी है, उसके बाद 15 मार्च को हमारे पास 7 बच्चे आए थे। 7 बच्चे से 9 बच्चे 11 बच्चे तक हुए और हमने कंटिन्यू तैयारी करवाई। 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में हमारे पास 9 बच्चे हो गए थे, ठीक है। 20 मार्च से और 11 अप्रैल तक हमने उन बच्चों को पढ़ाया 20 दिन और शायद 12 अप्रैल से या 14 अप्रैल से उन बच्चों की एग्जाम थी जो अग्निवीर की 2023 बैच की। उन बच्चों में से हमारे जो बच्चे 7 फाइनल अंतिम रूप से रिटर्न क्लियर कर चुके थे, 7 बच्चे दौड़ में भाग लिए, उनमें से 2 बच्चे पेशकी में रह गए हैं और 5 बच्चे फाइनली रूप से अग्निवीर बनकर भारतीय सेना में जाने के लिए आपके सामने अथक परिश्रम के साथ हमारे जो कमांडो सर हैं वो दिन और रात मेहनत करते रहते हैं। कठोर अनुशासन में अकेडमी का संचालन हो रहा है। अभी आप जैसे देख पा रहे हो वैसे कमांडो सर ही बाहर से दिख रहे हैं, वैसे है नहीं। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनको सीखी आ रही है कि इनका जो अनुशासन है वो अलग तरीके का है। वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चा भागेगा या अपने पास रुकेगा, वो सिर्फ एक ही ध्यान रखते हैं कि बच्चा रुके और सफल होके जाए। क्यों? घर वालों के पैसे खराब हो रहे हैं, घर वालों के पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई अमीर नहीं है, बच्चे किसान के आ रहे हैं पढ़ने के लिए, पैसे खराब करके वापस नहीं जाए, बच्चा सफलता लेकर ही जाए। प्रिंस डिफेंस एकेडमी में आए तो बच्चा सफल होकर ही जाए, यही कमांडो सरकार उद्देश्य है और इसी कारण वो बच्चों को कठोर अनुशासन में रखने के लिए पिटाई समय से नब्र करते हैं, ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। जो बच्चे यहाँ अभी पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कितना कठोर अनुशासन है, कितने कठोर नियम है। इतने कठोर नियमों के बावजूद आज अपने अकेडमी में ये जो 50 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट बैठी हुई है ये इन अकेडमी में इन रूल को फॉलो करती हुई बैठी है, तो इसका मतलब अकेडमी कुछ ना कुछ तो दे रही है और पूरी टीम अपने 100% सहश्रम के साथ लगी हुई है। और हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स सर बाकी सर 24 आवर्स मैथमेटिक्स ओरिजिनल्स के लिए यहाँ पर 24 आवर्स बच्चों को दे रहे हैं। एक बार बाकी सर के लिए जो हमारे टाइप राइटर हैं जो अपने YouTube को संचालित कर रहे हैं, क्लासों को संचालित कर रहे हैं, जो ये टेक्निकल टीम के अपने बैठे हुए देवलाल जी यादव सर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां।
जो साइंस पढ़ा रहे हैं संजय जी यादव सर साइंस पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे साथ बहुत बात आ गया। इसी जो टीम में कुछ लोग और हमारे साथी में जुड़े हुए हैं वो अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जीतू जी मैथमेटिक्स से सर अपने सामने पहुंच चुके हैं, अभी हमारे सामने पहुंचने वाले हैं रमेश जी साइंस पढ़ाने वाले सर, और अभी पहुंचने वाले हैं सोम जी, दिनेश जी। अभी लंबी टीम है टीचरों की, बहुत ही लंबी टीम के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ही लंबा अपना सपना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सफलता मिलेगी, सफलता के लिए बहुत कठोर मेहनत करनी होगी। अग्निवीर जो चयनित हो चुके हैं उनको एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरीके से आप अन्य लोगों को भी मोटिवेट करते करके, और आप एक बार जरूर बताना कि प्रिंस एकेडमी का अनुशासन कैसा है और प्रिंस एकेडमी कैसा और किस उद्देश्य से अपना कार्य कर रही है। अब मैं आप जिसका इंतजार कर रहे हो कि वो कौन से अग्निवीर हैं जो भारतीय सेना में जा रहे हैं, उन्हीं को मैं बुलाना चाहता हूं। जो अग्निवीर में सेलेक्ट हो चुका है इसी क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अग्निवीर विकास डागर, जोरदार तालियां।
सभी को बधाई हो, अकेडमी की तरफ से सभी को हार्दिक अभिनंदन बधाई। इसी तरीके से प्रगति के पद पर अग्रसर हो। एक बच्चा जो सम्राट से कहावत है वो अभी पहुंचा नहीं है, अच्छी देर में पहुंचने वाला है। चार बच्चे अपने सामने आ चुके थे, एक बच्चा पहुंचा नहीं जो अग्निवीर में सेलेक्ट हो चुका है, सम्राट शेखावत। आज तक एकेडमी ने 5 सिलेक्शन अग्निवीर में, 1 दिल्ली पुलिस में, 1 चंडीगढ़ पुलिस में, 1 एयरफोर्स में और 2 हरियाणा ग्रुप डी में और 1 धर्म गुरु जो अभी फाइनली 11 बच्चे सिलेक्शन दे चुके हैं पुलिस डिफेंस अकेडमी से। अब जो ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके पीछे एक बड़ी टीम काम कर रही है, जिनका आप देख रहे हो कि इनको जो सफलता दिलाने का पीछे हाथ है, उस टीम को भी मैं आगे बुलाना चाहूंगा कि उनका भी कर्नल साहब और संस्थापक महोदय और अपने जो रामचरण जी हैं, शंकर जी हैं, वो आगे आकर उनका भी स्वागत करें कि वो टीम जो रात और दिन एक करने लगी हुई है उनका भी स्वागत करें। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं अपने मैथमेटिक्स के जो भाटी सर हैं, मुकेश जी भाटी सर, आए। भाटी सर का स्वागत करें माला पहनाकर मोमेंटो देकर कि अपने जो मैथमेटिक्स के टीम हैं भाटी सर रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा संजय जी यादव सर, संजय जी यादव सर, उनका भी सम्मान करें। संजय जी सर साइंस एक्सपर्ट। इसी क्रम में आगे बुलाना चाहता हूं अभिषेक जी शेखावत सर, इसी क्रम में बुलाना चाहता हूं मैं जीतू जी सर, जीतू जी मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा अपने जो यूट्यूब के कर्ता करता है, जो ऑनलाइन चैनल को संभालते हैं, देवराज जी यादव सर। यही टीम को बातों की लगी रखी है, इन टीम में अपने परिश्रम कर रही है। जो ग्राउंड में बच्चों के साथ 24 आवर्स बने रहते थे, अपने आप में महान ख्याति प्राप्त महेंद्र जी कौर सर, जीके एक्सपर्ट जो लगातार एक साथ से लगातार
आयर साहब जी का जी बने से सर का माला पहनाकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही हमारे मैच एक्सपर्ट सोनूजी बंसल रमेश जी केदरवाल से भी पधार चुके हैं, उनका भी वेलकम। सोनूजी बंसल सर आगे आए, रमेश जी सर जुबेरे प्रिय मित्र सोनूजी बंसल सर भी पधार चुके हैं ठाकुर साहब के प्यारे भक्त। रवि जी चंद्रवाल सर, सोनू जी बंसल जो पीछे वाली टीम में काम कर रहे थे अभी उन्हीं का जो श्रेय है आज सेंशन करवाने का, सोनू जी बंसल सर पहुंच चुके हैं अपने बीच में, जोरदार तालियां। अपने जो साइंस एक्सपर्ट है रवि जी चंद्रवाल सर, जी जेतरवाल सर पहुंच चुके हैं। रमेश जी जेतरवाल सर बहुत बहुत तालियां। इसी क्रम में हमारे दो रीजनिंग एक्सपर्ट सर हैं दिनेश जी सर, इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूं अपने जो एक्सपर्ट हैं सुभाष जी सर जो इंग्लिश एक्सपर्ट हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूं, जो इंग्लिश एक्सपर्ट हैं सुभाष जी शर्मा। आगे में जो पूरी टीम है प्रिंस की वो आगे आए और अपने जो कर्नल साहब है टीएस पुनिया जी सर उनको साफा पहनाकर उनका स्वागत और माल्यार्पण करें। प्रिंस पूरी टीम आगे आए, प्रिंस पूरी टीम आगे आकर और अपने जो टीएस पुनिया जी सर हैं उनका माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत करें। प्रिंस पूरी टीम आज जो एकेडमी जिनके निर्देशन में संचालित हो रही है वो केएस पुनिया जी सर हैं, जोरदार तालियां। स्वागत करेंगे पूरी टीम के द्वारा।